अच्छा भूमाफियाओं के गैंग के द्वारा वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की भूमि पर विभिन्न प्रकार के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स बना करके माननीय न्यायालय के समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, साथ ही साथ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जिसमें बहुत सारा एक आपराधिक षड्यंत्र साफ साफ दिख रहा हो, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट का में अगर किसी के पक्ष में लीज हुई है तो जिसके पक्ष में लीज हुई उसी ज़मीन के दूसरे हिस्से में दूसरी लीज हुई है और उसी के बाद वसीयतनामे हो गए, वसीयतनामे के बाद एक बहुत ही सिंबॉलिकल अमाउंट जो ज़मीन जिसकी सर्कल रेट लगभग 1,40,00,000,000 और जिसका मार्केट रेट उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है, उसके एक पक्षकार के अकाउंट में 1,00,00,000 रुपये ट्रांसफ़र करना, फिर इन जालसाजों और भूमाफियाओं द्वारा उस 1,00,00,000 रुपये भी बैंकिंग नॉर्म्स का वायलेशन करते हुए निकाल लेना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिससे आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि हो रही थी। आज उसी के क्रम में कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें बहुत ही संगठित तरीके से एक बड़े भूखंड को जिसपे VDA की समय स्वामित्व है, कब्जेदारी है, और साथ ही साथ प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें जो पूर्व के मालिकाना हक महिला रखती थी उनसे इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनवाना जो लीगली वैलिड ना हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनवाना जो अपने आप को उनका फर्जी नॉमिनी साबित करें गलत रिश्तेदारियां दिखाते हुए, और फिर उनको उस अमाउंट को भी 1,00,00,000 रुपए को भी अलग अलग तिथियों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बगैर सिग्नेचर पीछे किए हुए ऐसे चेक्स के माध्यम से उसका धनराशि का निष्कासन कर लेना, ये सभी इस आपराधिक षड्यंत्र की पुष्टि करती हैं। इस संबंध में गिरफ्तारियां की गई, आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी और इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी कंपनीज होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भूमाफिया उनको चिन्हित करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई भी हम लोग करने पर विचार कर रहे हैं।